हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो होने वाला है स्ट्रिक्स हेयर हाइलाइटिंग किट, जो कि प्रोफेशनल हेयर हाइलाइटिंग किट है और ये मैंने अमेज़ॉन से परचेस किया है। तो अभी देख सकते हैं, ये मेरे अभी जो नेचुरल हेयर है, जो मेरे ये हैं, मैंने कुछ टाइम पहले किया था, उसका थोड़ा सा इफेक्ट है। तो ये मैंने क्लिप्स ले ली है, बाउल ले लिया है और जो दो बॉक्स रिसीव हुए हैं, फर्स्ट में हमें क्या क्या मिला है देख लेते हैं। ब्लॉन्डर, फॉइल, ब्रश, कलर गाइड बुक, ग्लव्स एंड ब्लॉन्डर पाउडर। ये देख सकते हैं काफ़ी सारे कलर मिल जाते हैं, काफ़ी सारे कलर शेड्स मिल जाते हैं, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अब हम इसे अपने हेयर को कॉम कर लेंगे अच्छे से। कॉम करने के बाद हमें जिस पार्ट में हाईलाइट करना है वो पार्ट हम डिवाइड कर लेंगे। तो मैं अपने सारे बालों में करूँगी लेकिन, और हमें ये आधा इंच छोड़ के फिर अपने बालों को हाईलाइट करना है। तो पतली पतली लेयर्स ले लेंगे और हम एक बाउल में पहले इसका अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। तो मैंने पाउडर डाल लिया है, साथ ही हम ब्लॉन्ड डाल के इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से। जब ये सॉफ्ट हो जाए अब हम इसे अपने हेयर पर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने से पहले अपने हैंड्स पे ग्लव्स पहन लीजिए और साथ ही साथ ब्रश के हेल्प से इसे लगा लीजिए। आपको स्कैल्प से नहीं लगाना है, थोड़ा सा एरिया छोड़ के फिर आपको अपने बालों पर अप्लाई करना है और इस तरह के सेक्शंस ले लेके अपने बालों पर लगाने हैं। और काफ़ी सारे मतलब क्लिप्स हैं तो आप एडजस्ट करके लगा सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। अच्छे से लगा के फॉइल से पैक करके इसे पिनअप कर लीजिए और 20 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए। अब मैंने 20 मिनट्स हो चुके हैं, उसके बाद अब हम फॉइल हटा लेंगे। तो एक एक करके मैं फॉइल हटा रही हूँ, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कलर आया है। और अब हम इसे वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद हम इसे ड्रायर से सुखा लेंगे। सुखाने के बाद आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप में कितना अच्छा कलर आया है, शेड काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब हम सेकंड स्टेप फॉलो करेंगे, उसमें हमें मिल जाता है कलरेंट क्रीम मिल जाती है, ब्लॉन्डर मिल जाता है, ग्लॉसी सीरम, शाइनी कंडीशनर मिल जाता है। तो अभी हम पहले क्रीम अप्लाई कर लेंगे अपने हेयर्स पे। तो इसमें भी हम ब्लॉन्डर को मिक्स करेंगे और इस क्रीम को अपने बालों पे अप्लाई कर लेंगे। इसे भी हमें वैसे ही अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद इसे भी फॉइल से पैक कर देना है। इसे हमें खींच खींच के बालों में लगाना है। सेकेंड प्रोसेस भी हमें वैसे ही करना है जैसे हमने फर्स्ट स्टेप पे किया था। 15 मिनट्स बाद में हमें देखना है, ये देखो कितने अच्छे हेयर्स में कलर आया है, शाइन आया है। और जब मैंने कंडीशनर वगैरह अप्लाई कर लिया उसके बाद आप देख सकते हैं वॉश करने के बाद, अब जो हमें इसमें कंडीशनर मिला था ग्लॉसी सीरम शाइनी कंडीशनर, जो कि हमारे बालों को एकदम शाइन कर देगा और एकदम ग्लॉसी और सॉफ्ट कर देगा। तो इसे हमें ऐसे खींच खींच के अपने बालों में लगाना है, अच्छे से अप्लाई करना है और कॉम कर लेना है। एक बार कॉम करने के बाद इसे ऐसे ही छोड़ देना है 20 मिनट्स के लिए। 20 मिनट बाद मैंने वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा रिज़ल्ट मिला है और इसका रिज़ल्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और गाइस, मैंने इसे अमेज़ॉन से परचेस किया है, तो अगर आप भी इसे परचेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप इसे वहां जाके बाय कर लीजिएगा। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी मैं नया वीडियो डालूँ आप तक पहले पहुँचे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट कुछ ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।